सनू रीटा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते रहते हैं। मजा आ गया भाई, मजा तो आपको भी आएगा ये सुन करके, क्योंकि शाहरुख खान ने इस इंडस्ट्री में तबाही मचा दी है। मतलब क्या कर दिया, क्या गजब कर दिया उन्होंने पिछले साल, यानी कि पिछले साल शाहरुख खान की 3 मूवीज आई, जिसमें सबसे पहले पठान थी, फिर जवान रही, फिर डंकी रही। पठान और जवान ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए, डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा कमाए। वही डंकी का उतना जलवा नहीं रहा, लेकिन वो भी हिट रही। डोमेस्टिक पर 200 से ज्यादा हो गए, वर्ल्ड वाइड 400 से ज्यादा हो गए नॉन एक्शन फिल्म के लिए, और चाहिए क्या जब 100 करोड़ लगे हो बजट में। लेकिन अब बात ऐसी है बाबू भैया कि शाहरुख खान 2024 में आपको बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनकी एक भी पिक्चर नहीं आ रही है, ये सूत्रों ने बता दिया है। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शाहरुख खान जल्दी अपने फैंस को तोहफा देने वाले हैं, और वो तोहफा क्या है, वो तोहफा है 3 नई मूवीज। जी हाँ, शाहरुख खान जल्दी अनाउंस करने वाले अपनी 3 नई मूवीज। बिग बजट हो सकती हैं ये 3 मूवीज, एक्शन हो सकती है, थ्रिलर हो सकती है, रोमांस हो सकती है। तो वो कौन सी 3 पिक्चरें हैं, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, टाइगर वर्सेस पठान। टाइगर वर्सेस पठान, वैसे ये फिल्म अनाउंस हो चुकी है, और यशराज ने ये भी कह दिया है कि वो इस पिक्चर पर काम कर रही हैं। टाइगर वर्सेस पठान, यानी कि बात साफ है, सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान। ये मूवी 2025 में शूट होना स्टार्ट होगी, इसकी अनाउंसमेंट जल्द होगी। ये बात पता चली है कि शाहरुख खान जल्द ही इस मूवी को लेकर के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सलमान शाहरुख एक साथ एक मूवी में बिना कैमियो के, मतलब एज दोनों लीड रहेंगे, काफ़ी सालों बाद नज़र आने वाले हैं। ये दोनों के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक दूसरे की मूवीज़ में तो कैमियो दोनों करते रहते हैं, अब स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी, मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है, जिसका नाम टाइगर वर्सेस पठान है, जिसमें सलमान शाहरुख बॉलीवुड इंडस्ट्री के 2 बड़े स्टार एक साथ नजर आएंगे। दूसरी मूवी का नाम है जवान 2। अटली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई थी। मतलब SRK ने क्या काम किया था इस फिल्म में। थिएटर में जब मैंने ये मूवी देखी थी, मतलब मजा आ गया था, एंट्री सीन ही धमाकेदार था। मैं कहता हूँ कि एक मास मूवी ऐसी होती है जो पब्लिक को अपनी तरफ खींच ले, तो मैं कह सकता हूं कि ये मूवी बड़ी गजब थी, और इसका सीक्वल सेकंड पार्ट तो और धमाकेदार होने जा रहा है। तो यानी कि अब शाहरुख खान जवान 2 अनाउंस करने वाले हैं, और ये सब अनाउंसमेंट आपको जनवरी में देखने को मिल सकती है। तीसरी फिल्म की बात कर ले तो भाई ये फिल्म उनके दिल के करीब होने वाली है, क्योंकि इनमें उनकी लाडली सुहाना भी होगी। सुहाना खान, जिन्होंने हाल ही में आर्ची से अपना डेब्यू किया था, और पब्लिक ने कहा कि भैया ये डेब्यू क्यों ही हुआ है, लेकिन चलिए ठीक है, अब पापा की परी हैं, उड़ना तो पड़ेगा। अब वो उड़ेंगी सुजॉय घोष की थ्रिलर मूवी में, जिसमें शाहरुख खान का एक्सटेंड कैमियो होगा, एज लीड भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तो एक्सटेंड कैमियो, यानी कि कुछ 45-50 मिनट का रोल हो सकता है। इस फिल्म का नाम बताया जा रहा है किंग। बॉक्स ऑफिस के तो शाहरुख खान किंग है ही, लेकिन क्या अब शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ किंग बनाएंगे, और क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल तो भैया ये वीडियो में इतना ही, क्योंकि इतना ही बचा हुआ है, इतनी ही पिक्चर के बारे में बता सकते हैं। आने वाली और कौन सी फिल्में होंगी, रोहित शेट्टी फराह खान के साथ भी फिल्म के बारे में बात चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि उनके साथ अनाउंस होती है नहीं होती है। बाकी अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।